नमस्कार, नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं हूं ब्रजमोहन मोर और आप देख रहे हैं जनता आवाज। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भंते सुमित रतन जी। इन्होंने एक हमें ये दिया है लिफाफा, या ऐसे कैसे कह सकते हैं निमंत्रण पत्र। ये 9 अक्टूबर 2022 दिन रविवार समय 12 बजे से शाम 6 बजे तक बहुत ही प्रोग्राम होने वाला है लखनऊ के अंदर, तो इसी विषय पर हम भंते जी से चर्चा करेंगे। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लिफाफा है। तो भंते जी, क्या प्रोग्राम है और क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन जी। 9 अक्टूबर को क्यों किया जा रहा है, इसका कारण हम बताते हैं जी। अक्टूबर माह बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अक्टूबर माह में तिथि आती है सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी, जिसे भारत के अज्ञानी लोग दशहरा कहते हैं। वो दशहरा कहने का कारण होता है कि पुष्यमित्र सुन के नाम के व्यक्ति ने अपने आप को राम जद स्थापित किया, और पत्रकार महोदय आपकी बिरादरी के 10 मौर्य राजाओं के जब सर काटे तो 10 लोगों को हरने का, 10 राजाओं को हराया तो बन गया दशहरा। उसी दिन सम्राट अशोक ने धम्म दीक्षा ली थी और उसी तिथि को दशहरा पुष्यमित्र सुन ने मनाया था, और उसी तिथि को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नागपुर के मैदान में 5 लाख लोगों के साथ धम्म दीक्षा ली थी। तो पूरे भारत में जगह जगह धम्म दीक्षा के आयोजन होते हैं। लखनऊ में माननीय कांशीराम साहब स्मृति उपवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम साहब की पुण्यतिथि भी है। तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पूरी दुनिया से, तमाम देशों से विद्वान बौद्ध भिक्षु, गणमान्य जन, तमाम बाबा साहब का परिवार और तमाम लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सभी लोग आए, ये बौद्धों का बहुत बड़ा महोत्सव है, ये बहुजनों का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। क्या लगता है कि लोग आएंगे और बौद्ध धर्म अपनाएंगे, या कोई शंका है? देखिए, भगवान बुद्ध के धर्म को अपनाना ये कोई कान फूकने की परंपरा नहीं है, ये दर्शन है, ये विचारधारा है, ये आइडियोलॉजी है। ऐसे समता मूलक समाज की स्थापना का भाव रखिए, आदमी आदमी में भेद मत करिए, छुआछूत जातिवाद मत मानिए, किसी का बुरा मत करिए, यही भगवान बुद्ध का दर्शन। ये बातें संविधान में भी हैं, ये बातें इस्लाम में भी हैं, हिंदुओं के तमाम ग्रंथों में लिखी हैं, ईसाइयत में भी हैं, यहूदियों में भी हैं, सिखों में भी हैं, हर जगह ये बातें हैं। तो कोई अलग से नहीं है भगवान बुद्ध का दर्शन, उसे कान फूकने की कोई परंपरा नहीं है कि कान फूका जाएगा तभी आप बौद्ध बनेंगे। इसलिए वहां बौद्धों का सम्मेलन हो रहा है, और जो लोग स्वेच्छा से दीक्षा भी लेना चाहें उनको दीक्षा भी देते हैं। एक प्यास गवाह है, जब जब बौद्ध समाज संगठित हुआ है तो एक प्लान के तहत दुश्मनों ने उसे तोड़ने की कोशिश की है। मेरे देखने में ये आया है, अब ये बात सही है या नहीं, मैंने ऐसा अनुभव किया है। जिस प्रकार से तथागत बुद्ध का धर्म डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया, उसको भी अब आगे चल के जैसा वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, कुछ दुश्मन लोग उसमें भी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके जातवाद के नाम। देखिए, ब्राह्मण नहीं चाहता है कि मेरे बगैर कोई भी क्रांति हो, मेरे बगैर कोई भी इतिहास बनाया जाए। चंद्रगुप्त मौर्य का जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो पता लगता है कि चंद्रगुप्त ने खुद अपने बलबूते नंद वंश के इतिहास को चंद्रगुप्त के मौर्य के इतिहास में बदला। ब्राह्मणों को लगा कि वहां एक ब्राह्मण होना चाहिए था, तो इन चालाक ब्राह्मणों ने जबरदस्ती चाणक्य को फर्जी पैदा कर दिया और बताया कि चाणक्य के कहने पर ही चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने, सम्राट बने, उन्होंने घनानंद को मारा, ये फर्जी। कबीर साहब बिना ब्राह्मणों के हैं, तो कबीर साहब का ब्राह्मणीकरण करने में लगा है ब्राह्मण। रविदास साहब ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें, रहे रविदास प्रसन्न, ये ब्राह्मण रविदास का भी ब्राह्मणीकरण कर रहा है। बाबा साहब का भी ब्राह्मणीकरण करना चाहते हैं ये ब्राह्मण, लेकिन बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है उनके ऊपर जूते का वार करती है 22 प्रतिज्ञा, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है ब्राह्मणीकरण करने। बुद्ध का ब्राह्मणीकरण करने का प्रयास किया है उन्होंने, पूजा करवाई, मूर्ति लगवाई, अगरबत्ती लगवाने लगे, मोमबत्ती लगवाने लगे, और खीर लोग खिलवाने लगे, खाना खिलवाने लगे। भगवान बुद्ध को भी गर्मी लगती, एसी चलने लगी,
जैसे गुरु ग्रंथ साहब को गर्मी लगती है तो ऐसी चलवाने लगे, ये सब ब्राह्मणीकरण है, ये विज्ञान बात तर्कवाद नहीं है। तो वैसे ही ब्राह्मणों को जहां जहां मौका मिलेगा, बुद्ध का जो असली दर्शन था उसमें अंधविश्वास पाखंड स्वर्ग नरक मिला के उसे महायानी बना डाला। इतनी मूर्तियां बुद्ध मूर्ति के विरोधी थे, इतनी मूर्तियां ब्राह्मणों ने बुद्ध की बनाई कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मूर्ति पाई जाती बुद्ध की पाई जाती। इसलिए उनका जहां जहां मौका लगेगा ब्राह्मणीकरण करेंगे। और मैं तो चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों आंखें खोलो, शिक्षा की बदौलत तुम्हारे चेहरे पर चमक आई है, मान सम्मान की बदौलत तुम्हें इज्जत मिली है, संविधान की बदौलत तुम्हें यह मान सम्मान मिला है, ये नमो बुद्धा जय भीम कहने से नहीं मिल गया है। इसलिए अंधविश्वास पाखंड ब्राह्मणों का बिल्कुल आत्मसात मत करिए, बुद्ध दर्शन है, विज्ञान है और बुद्ध को एक दर्शन मान करके ही सम्मान दिया जाए। तो बंदे जी बहुत ही अच्छे आपने अपनी जानकारी दी, और जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी हम भी कहना चाहेंगे 9 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचने की कोशिश करें लखनऊ में, और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जैसा कि लास्ट बात में मैं 4 लाइनों से मैं इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा, पहला तो ये कि आपने जैसे चर्चा कर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी ये ब्राह्मणीकरण करना चाहते हैं, हालांकि करने की कोशिश की है, जैसे बताया कि स्कूल में जो अम्बेडकर सरनेम दिया वो ब्राह्मण ने दिया है, भ्रांति, ये सब झूठ है। ठीक है, तो आपने कहा कि नमो बुद्धाय जय भीम कहने से कुछ नहीं होगा, तो इसी के लिए मैं 4 लाइनें आपके सामने रखूंगा कि जय भीम का जाप जपने से ना भीम का कर्ज चुकेगा, जय भीम का जाप जपने से ना भीम का कर्ज चुकेगा, भीम ने राह दिखाई हमें उस पर चलना होगा, बुद्ध दम और संग को मोहन तुम पहचानो, 22 प्रतिज्ञा अपना कर जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। बहुत सही, तो धन्यवाद, शुक्रिया बंदे जी, थैंक यू, थैंक यू, आइए सबका स्वागत है।